देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज ऑनलाइन हिंदी न्यूज। लोग कहते हैं कि विद्यालय में बच्चे को शिक्षा मिलेगी, बच्चे शिक्षा पाकर उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर होंगे, लेकिन उस विद्यालय में बच्चे किस कदर शिक्षा पाएंगे जहां बिहार सरकार के द्वारा लगाए गए शराब के प्रतिबंध के बावजूद भी शराब और वहां गिरे हुए जो ग्लास होंगे वह नजर आएगा। आखिर इस नज़ारे को देखकर बच्चे क्या सीख पाएंगे? अब बात उठती है कि बिहार सरकार ने शराब पर परिपूर्ण तरीके से बंदी लगाई है, तो आखिर यह बोतल कहां से आ पहुंचा? किस तरीके से इस बोतल के चारों ओर लोग बैठकर इसका सेवन किए होंगे और किस तरीके से अपने घर गए होंगे? सवाल उठता है कि आखिर जो लोग इसका सेवन किए वे अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे कि भाई शिक्षा के मंदिर में ही जाकर इसका सेवन कीजिए और शिक्षित होइए। मैं यहाँ के तमाम आदमी से भी जानकारी लूँगा कि क्या यह सही है अथवा गलत, जब सरकार ने परिपूर्ण तरीके से शराब की बंदी कर दी है। इस पर किस तरीके से प्रशासन के लोग नकेल कसते हैं या नकेल कसने में विफल होते हैं, यह भी मैं इन लोगों से जानूंगा और आपको बताऊंगा। इसी विद्यालय का दूसरा नज़ारा यह है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि एक तरफ जहां विद्यालय में अनेकों प्रकार के चाहे वह पेयजल से जुड़ी हुई समस्या हो उसका निदान बहुत जल्द सरकार कर रही है, या फिर शौचालय से जुड़ी हुई समस्या हो उसका भी निदान सरकार बड़ी जल्द करने जा रही है, और इस दिशा में कहीं ना कहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भी अपना कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन बात जब विद्यालय के इस टूटे हुए नल की आती है तो आप साफ देख सकते हैं कि यह नल परिपूर्ण तरीके से टूटा हुआ है। सवाल उठता है कि इस नल को किसने तोड़ा और यह सब करने की जिम्मेदारी अब किसके ऊपर आ रही है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि यहां से यह वायर यानी तार तोड़कर यूं ही छोड़ दिया गया है। यह वायर किस चीज़ का है यह भी लोगों से जानेंगे। दूसरी तरफ आप यहां भी देख सकते हैं कि इस वायर को तोड़ दिया गया है। शायद यह वायर समर सेबल का है जिसमें बिजली जाने का काम होगा। यह वायर यहां से ठीक लेकिन यहां से टूटा पड़ा है। आप तस्वीरों में देखकर इसका अनुमान लगा सकते हैं। ये नज़ारा उस वक्त का है जब विद्यालय में होने वाले शराब की बोतल के साथ चोरी का मामला उजागर हुआ तो थाने से पहुंचे अधिकारी को भी विद्यालय परिसर में आने में कितनी परेशानी हुई यह आप साफ देख सकते हैं। क्योंकि विद्यालय के आगे पानी इस कदर जमा था कि लोगों को आने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, तो उन्हें अपना जूता उतारना पड़ा और तब जाकर वे विद्यालय में प्रवेश हुए। उसके पीछे थाने के जवान भी उसी तरीके से विद्यालय में पहुंचे। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि विद्यालय परिसर में पहुंचने के लिए इन्हें भी कितनी मशक्कत करनी पड़ी। मशक्कत करने के बाद अंततः विद्यालय के बरामदे पर पहुंच पाए हैं। विद्यालय में हुई तोड़फोड़ के मामले को लेकर प्रशासनिक अधिकारी विद्यालय परिसर में पहुंचकर तमाम चीज़ों की जानकारी ली। उन्होंने जानकारी लेने के क्रम में यह भी कहा कि लोग यहां बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजते हैं, लेकिन जो लोग यहां इस प्रकार की गलत कारनामे को अंजाम देते हैं उनके लिए शायद यह गलत होगा और मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। जब लोगों के घरों में इस प्रकार के टाइल्स लगने की बात आती है तो घरों में इसे काफ़ी सुरक्षित रखने का काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ टूटे हुए वायर का कनेक्शन कहां से है और किस तरीके से है इसकी भी जानकारी इन लोगों ने ली। साथ ही वहां कुल 8 ग्लास और 1 बोतल जो पाया गया उसके भी इन लोगों ने जानकारी ली। सर, आज मटर स्थान के विद्यालय में पहुंचे, आपने क्या क्या देखा? देखे कि यहाँ के कुछ दारू पी के बोतल एक पड़ा हुआ है, गिलास है, उसके बाद मोटर का जो टाइल्स लगा हुआ टूटा हुआ है, मोटर का तार भी नोचे हुए हैं। इसको लेकर क्या कार्रवाई होगी? कार्रवाई आगे लिखित आवेदन के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
आपका शुभ नाम सर? राजेश कुमार अकेला। खाली जो दारू का बोतल है इसको क्या करें? मुखिया जी ये बताएंगे कि आज विद्यालय परिसर में आप पहुंचे हैं, कारण क्या था? कारण था कि यहाँ के ग्रामीणों ने और यहाँ के शिक्षकों ने हमें खबर किया कि यहाँ जो है रात में कुछ लोग दारू पिए हैं बैठ कर करके, जिसका बोतल ग्लास यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद नशे की हालत में यहाँ जो है पानी का टूटी टाइल्स वगैरह तोड़ दिया गया है, समर सेवल का तार तोड़ दिया गया है। हमने यहाँ आ करके देखा, उसके बाद यहाँ अपने चानन थाना को खबर किया, जिसके बाद थाने के लोग आए हैं, आप लोग भी आए तो देख ही रहे हैं यहाँ का तमाशा। इसको लेकर के क्या होना चाहिए? इसको लेकर यहाँ के प्रशासन को सजग थोड़ा होना चाहिए, यहाँ के पब्लिक को भी सजग होना पड़ेगा, कौन यहाँ कौन आ जा रहे हैं इसके गतिविधि को देखना पड़ेगा। जब हम लोग यहाँ अगल बगल हैं उनको भी निगरानी रखना पड़ेगा, तो प्रशासन को यहाँ के लोगों को भी मदद करना पड़ेगा। शिक्षा के मंदिर में ऐसा होना वाजिब है या फिर गलत है? ये तो सरासर गलत है, ये वाजिब क्या, ये जब सरकार की शराबबंदी नीति है उसके नीति के तहत यहाँ जो है शिक्षा के मंदिर को शर्मसार किया जा रहा है, ये तो कलंकित काम है, घोर काम है एकदम। क्या नाम हो भैया आपका? सुरेश राम। अच्छा एक बात बताएंगे, आज विद्यालय में आप लोग तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे, कारण क्या है? कारण है कि यहाँ शराब पीते हैं, जुगेबाजी करते हैं, सब तोड़ फोड़ करते हैं, सुरक्षित रहने नहीं देते हैं समाज का लोग। क्या होना चाहिए इसको लेकर? इसका पर निदान होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। एक बात बताएंगे इसको लेकर आज यहाँ कौन कौन लोग पहुँचे हैं? कपिल देव यादव हैं, राधे यादव हैं, मुखिया जी हैं और सब नगरीता लोग हैं। क्या थाने के लोग भी आए थे? थाने के लोग भी आए थे,